ओके, तो आज हम फिर से एक नया विषय के ऊपर हम स्टडी करने आए हैं। तो अभी हम अपना बाइबल खोलेंगे और हम प्रभु के वचन से अध्ययन करेंगे। आज हम ऐसे विषय को देखने वाले हैं, ठीक है। ये केवल मसीहों के लिए है, केवल हम जितने सारे यहाँ पर मसीह लोग उपस्थित हैं, हम प्रतिजनों के लिए लागू होंगे कि हम क्रिश्चियन बनने के बाद, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद काफी, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, जब हमारा उद्धार हो जाता है, उसके बाद, ठीक है, काफी सारे समय हम क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। ऐसे गलतियां हम करते हैं उद्धार पाने के बावजूद, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी हम काफी सारे समय क्या करते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम पाप करते हैं। उस समय परमेश्वर क्या करता है पता है, हमें मारता है, हमें सबक सिखाने के लिए या फिर हमें सही रास्ता में ले आने के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है, पनिश करता है, हमें दंड को देता है, ठीक है। हमें सीधा करने के लिए परमेश्वर क्या करता है, लाठी लेकर हमें सबक सिखाता है कि तुम ये जो रास्ते में चल रहे हो ये गलत रास्ता है, अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें सुधरना चाहिए। तो परमेश्वर क्या करता है, हमें सुधारने के लिए, हमें सही मार्ग में लाने के लिए परमेश्वर हमें बहुत सारे पनिश करता है, बहुत सारे परमेश्वर हमें दंड को देते हैं। तो उसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे कि परमेश्वर आखिर हमें क्यों दंड को देता है, परमेश्वर आखिर क्यों हमें पनिश करता है, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ऐसे कुछ चीजों को देखेंगे जहां हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हम क्या क्या बनते हैं। ओके, जैसे कि हमारा पाप का क्षमा होता है, हम प्रभु के संतान बनते हैं, ऐसे विषय को हम कुछ देर के लिए हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है हम इस विषय को देखेंगे, परमेश्वर क्यों और कब हमें दंड को देता है या फिर क्यों हमें परमेश्वर सुधारता है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, जब एक पापी व्यक्ति, ठीक है, हालांकि हम सब लोग क्या है, पापी है। बाइबल में क्या लिखा है, रोमियो 3:10 में, कि कोई भी मनुष्य जाति धार्मिक नहीं है, सबके सब मनुष्य जाति क्या है, पापी है, कोई भी धार्मिक नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है संसार में कि मैं अच्छा इंसान हूं, कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं कोई गलतियां नहीं करता, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं संसार में जो ये कह सके। हम सारे के सारे पापी है, ठीक है, पैदा से ही लोग क्या होते हैं, लोग पाप में जन्म लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, हम जब उद्धार पाते हैं, आइए हम वचन खोलेंगे पहला यूहन्ना में, सॉरी गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12 में हम देखेंगे क्या लिखा है। तो यहां पर देखो, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, पापों से मन फिराने के द्वारा, पश्चाताप करने के बाद, जब वो अपना विश्वास को प्रभु यीशु में डालते हैं, या फिर जब एक व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उस समय परमेश्वर उन्हें क्या देता है, एक अधिकार को देता है, या फिर परमेश्वर उन्हें अपना संतान बनाता है, ठीक है। तो हम परमेश्वर के क्या बन जाते हैं, परमेश्वर के हम संतान बन जाते हैं। ओके, जब एक व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या है, पाप में जन्म हुआ इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति क्या है, ये पापी है, राइट। कोई भी मनुष्य जाति धार्मिक नहीं है, सबके सब पापी है। तो ये व्यक्ति जब उद्धार पाता है, परमेश्वर इन्हें क्या देता है, अपना संतान होने का अधिकार को देता है। ओके, हम पहले उद्धार पाने से पहले हम किसी और के संतान थे। ओके, हम परमेश्वर के संतान कोई भी नहीं थे। लेकिन जब ये व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास को रखा, जब इस व्यक्ति का उद्धार हुआ, ये व्यक्ति क्या बना, परमेश्वर के संतान बन गए। ओके, अभी हम सब लोग क्या है, प्रभु यीशु मसीह के या फिर परमेश्वर पिता के हम संतान बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं, क्योंकि हमारा उद्धार हुआ है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर हमने अपने विश्वास को डाले हैं। देखो वचन में क्या लिखा, मैं हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं आपको। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, ओके,
केवल विश्वास ही नहीं लेकिन हमें परमेश्वर को ग्रहण करनी भी चाहिए। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ओके, सबसे पहली बात, हम प्रभु यीशु मसीह के संतान बन जाते हैं उद्धार पाने के बाद। ओके, तो ये फर्स्ट है। अभी हम दूसरा देखेंगे, जब हम यीशु में आते हैं उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है। ओके, अभी हम इफिशियंस में जाएंगे, इफिशियो चैप्टर 1:5 में। Okay. Sorry, 1:5 या 5:1? मैंने गलती कर दिया यहाँ पर, 1:5, 1:5, सॉरी, यस, आपने सही देखा है, मैं गलती किया है। यस, चैप्टर 1:5। हिंदी बाइबल में इसका पेज होगा 265। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत शिक्षाओं को इस वचन से काफी सारे लोग प्रचार भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखो वचन में क्या लिखा है, 1:5 में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, दिखाता हूँ। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही चाहिए, पहले से ही ठहरा है, ये जो शब्द है पहले से ही ठहरा है कि हम पहले से ही हमारा उद्धार होना है या फिर पहले से ही हमारा स्वर्ग में जाना उचित है, ये सब जो शब्द है पहले से ही, ठीक है, इस वचन के ऊपर हम इस शब्द के ऊपर हल्का सा चर्चा करेंगे। काफी सारे लोग इसके ऊपर जो है अलग ही डॉक्ट्रिन बना लिए हैं। क्या विश्वास करते हैं बहुत सारे लोग, एक ऐसा ग्रुप है जो पंथ है, ठीक है, इन लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने, ठीक है, परमेश्वर ने संसार की रचना करने से पहले, परमेश्वर स्वर्ग या फिर पृथ्वी को बनाने से पहले परमेश्वर ने ये तय कर लिया था कि इतने सारे लोगों को, अभी यहाँ पे सोचो दो दो प्रकार के लोग हैं, ओके, दो प्रकार के, मैंने दो अलग अलग हिस्सों में इसको बांट दिए हैं। सोचो यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, यहाँ पे पाप से भरा हुआ लोग है और ये सोचो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं, और ऐसे भी लोग हैं कि जो पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या मानना है कि परमेश्वर ने संसार की रचना करने से पहले ऐसे लोगों को चुन रखा था जो स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है। सोचो ये सब लोग क्या है, पापी लोग है, बहुत दुष्ट लोग है, बहुत गंदे काम करते हैं, वे विचार करते हैं, सब प्रकार के बुरे काम को करते हैं, और परमेश्वर ने क्या किया है, संसार के शुरुआत होने से पहले इन लोगों को चुन के रखा है कि ये जो लोग हैं, चाहे इन लोग यीशु के ऊपर विश्वास करें या ना करें, इन लोगों को कहाँ जाना है, इन लोगों को हेवन में ही जाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने संसार की सृष्टि होने से पहले ही इन लोगों को चुन के रखा है कि चाहे तुम लोग उद्धार पाओ या ना पाओ, चाहे तुम लोग विश्वास करो या ना करो, तुम लोगों को कहाँ पे जाना है, स्वर्ग में जाना है। तो ये जो लोग हैं, इन लोग ये सब विश्वास करते हैं। और सोचो ये लोग, इन लोग मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास को रखना चाहते हैं, यीशु को जानना चाहते हैं, उधार पाना चाहते हैं, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करना चाहता है। लेकिन इन लोगों के शिक्षाओं के हिसाब से क्या है कि परमेश्वर ने संसार के रचना करने से पहले ये निर्णय ले लिया था कि ये जो लोग है सबके सब कहाँ पे जाएंगे, हेल में जाएंगे, नर्क में जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से इन लोगों को चुन के रखा है कि जितने सारे लोग यहाँ पर हैं इन लोगों को नर्क में जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों को पहले से ही क्या करके रखा है, चुन के रखा है, चाहे इन लोग विश्वास करना चाहे या ना चाहे, चाहे इन लोगों की मर्जी हो या ना हो, इन लोगों को नर्क में जाना पड़ेगा। इन लोग चाहे जितना भी पाप कर ले, परमेश्वर ने पहले से चुन के रखा है, इसलिए अभी क्या होंगे, इन लोग स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही इन लोगों को चुन के रखा है। तो ऐसे गलत शिक्षाएं भी यहां से हम पा सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे गलत शिक्षाओं को प्रचार करते हैं जो पंथ होते हैं, तो ऐसे गलत शिक्षाओं से हमें दूर रहना है। इसका मतलब क्या है, पहले से ही हमें चुना गया मतलब, एक वचन खोले हैं मेरे साथ, गॉस्पेल ऑफ जॉन, हम सब जानते हैं ये वचन को, 3:16।
Yes. जॉन 3:6 राइट, ये सब वचन हम बचपन से ही जानते हैं। जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, तो इसका जवाब ये है कि परमेश्वर संसार का स्थापना करने से पहले, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो कोई, ठीक है, चाहे वो पापी व्यक्ति हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, हालांकि वचन में लिखा है कि सारे के सारे लोग पापी ही हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने संसार की बुनियाद डालने से पहले या फिर संसार की सृष्टि करने से पहले ही क्या कर दिए थे, ये डिक्लेयर करता था कि चाहे जो कोई भी हो, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, ठीक है, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा क्या होंगे, वो नष्ट नहीं होगा। ठीक है, परमेश्वर ने उस समय से ही पहले से ही ये निर्णय या फिर ठान ले चुका था कि जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, चाहे वो यहूदी हो, यूनानी हो, अन्य जाति हो, चाहे वो कोई भी हो, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होंगे, लेकिन उसको क्या मिलेंगे, अनंत जीवन मिलेगा। ठीक है, तो वो है पहले से ही चुना गया, मतलब ये नहीं कि किसी इस ये पहले वाले लाइन को नर्क में भेज देंगे, चाहे लोग विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर जबरदस्ती लोगों को नर्क में फेंकेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये सारे के सारे अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने पहले से ही कह दिया कि अगर कोई भी, चाहे वो जितना भी पापी हो, जितना भी बुरे इंसान हो, ठीक है, चाहे वो व्यभिचार की है, लोगों की हत्या की है, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर ये कहता है कि उसे अनंत जीवन मिलेगा, वो नष्ट नहीं होगा। ओके, तो ये है। तो इसके ऊपर भी लोग क्या करते हैं, गलत शिक्षाओं को बना देते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा करके इतना गलत शिक्षाओं को उन लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि उन लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, ठीक है, लोगों के घर घर में जाके उन लोग यीशु के बारे में बताते हैं। तो सोचो यीशु मसीह ने, सोचो 1,00,000 लोगों को, सोचो, ठीक है, जितना भी सुन हो मैं, ओके, सोचो यीशु मसीह ने 1,00,000 लोगों को पहले से ही चुन के रखा है कि इन लोग, बस इतना ही लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो ये लोग, ये जो ग्रुप के लोग हैं, इन लोग जो यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, यहाँ जाते हैं, प्रचार करते हैं, क्या फायदा, क्योंकि परमेश्वर ने सोचो बस यही लोगों को पहले से उद्धार के लिए चुन के रखा है। तो ये जो लोग इन लोग के पास जा रहे हैं तो क्या फायदा है, कि नहीं, इन लोग यहाँ पे जाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों को चुना है। लेकिन ये लोग क्योंकि लोगों के पास जाते हैं और बताते हैं कि परमेश्वर ने देखो हमें चुना है, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, ऐसे बोलने का क्या है, व्यर्थ हो गया फिर। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों को चुना है, क्या पता परमेश्वर इन लोगों को नहीं चुना है, इन लोग कैसे जानते हैं कि परमेश्वर ने इन लोगों को चुना है, इन लोगों को नहीं चुना है। ओके, तो लोगों का जो है गलत शिक्षाओं के ऊपर लोग प्रचार करते हैं, गलत शिक्षाओं को लोग फैलाते हैं। तो प्रभु कहता है कि जो भेड़ है वो भेड़ियों के रूप में आते हैं, आपके पास जाएंगे, ठीक है, चेहरा बदल के जाएंगे, बाइबल हाथों में लेंगे, यीशु मसीह के नाम लेंगे, लेकिन शिक्षाएं जो है वो बहुत जहरीला है, अगर एक अगर किसी ने उसको ग्रहण कर लिया तो उसका पूरा शरीर क्या होगा, जहर से फैल जाएगा, उसके बाद वो धीरे 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 क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। गलत शिक्षा क्या है, जहर के बराबर है, जहर ही है जो लोगों को धीरे धीरे करके मारता है, जो लोगों को यीशु से दूर लेकर के जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा जो है गलत शिक्षाओं से दूर रहना चाहिए। पौलुस भी हमेशा ही कलीसियाओं को सावधान करते रह रहा है, कलीसिया में भी जब भी हम देखेंगे पौलुस हमेशा ही गलत शिक्षकों से कलीसियाओं को क्या करते हैं, वो सावधान करता है कि तुम गलत शिक्षक से, जो गलत शिक्षाएं फैलाते हैं, उन लोगों से दूर रहना है। ओके, ओके, यहाँ पर हम क्या हो जाते हैं अभी इफिशियंस चैप्टर 1:5 में कि हम एडॉप्टेड हो जाते हैं, राइट, हमें क्यों एडॉप्ट किया जाता है, इसका मतलब हम पहले किसी और के परिवार के थे, है कि नहीं। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से अनाथ बच्चों को बहुत से लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, है कि नहीं। जब सोचो ये व्यक्ति या फिर कोई स्त्री या फिर कोई पुरुष किसी अनाथ व्यक्ति को
सोचो ये अनाथ बच्चा है, तो ये व्यक्ति क्या करता है, इसको अपने परिवार में अडॉप्ट कर लेता है। इस व्यक्ति ने इसको जन्म नहीं दिया, ठीक है, ये व्यक्ति इस परिवार के नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, इस बच्चा को अपने परिवार में वो अडॉप्ट कर लेता है। पहले ये इसका माँ बाप जो है वो कोई और है, ठीक है, ये इसका बेटा नहीं है, इसका संतान भी नहीं, लेकिन इसका माँ बाप कोई और है। ये व्यक्ति क्या करता है, इस बच्चा को अडॉप्ट कर लेता है। तो वैसे ही हमारा भी हुआ है, हम भी जब यीशु मसीह को जानने से पहले, यीशु में आने से पहले हम भी किसी और के परिवार के थे। वो किसके परिवार हो सकते हैं, आइए हम देखेंगे, इसका भी हम वचन एक खोलेंगे, गॉस्पल ऑफ जॉन में हम जाएंगे, गॉस्पल ऑफ जॉन यूहन्ना के पत्री, इसका पेज हिंदी में 143। तुम अपने पिता, कौन पिता, शैतान, ओके। बाइबल में जिक्र किया गया है दो पिता है, एक स्वर्गीय पिता, एक शैतान, ठीक है, शैतान है, शैतान पिता है। देखो तो हम पहले किसके संतान थे, के परिवार में से थे हम, शैतान के परिवार में से थे हम। इसीलिए परमेश्वर ने अभी क्या कर दिया, हमें शैतान के परिवार से बाहर निकलकर अपने परिवार में हमें ला दिए। अभी हम परमेश्वर के परिवार के हिस्से हैं, सदस्य हैं, राइट। बाइबल क्या कहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की देह की सदस्य है, एक बन चुके हैं अभी हम प्रभु यीशु मसीह की देह की हम सदस्य बन चुके हैं। इसीलिए हमें क्या गया है, अडॉप्ट किया गया है, हमें शैतान के परिवार से बाहर निकलकर प्रभु यीशु मसीह के परिवार में हमें लाया गया है। अभी हम प्रभु यीशु मसीह के परिवार में, या फिर परमेश्वर पिता के हम परिवार में है। कैसे हुआ वो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया क्रूस पर, तब जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कौन से भी धर्म के हो, कोई भी व्यक्ति हो, यूनानी हो, यहूदी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो जो को भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वो प्रभु के परिवार में आ जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति शैतान के परिवार में ही रहेंगे तो वो शैतान के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसे जो दो जगह है जो हमेशा के लिए रहेंगे, एक जगह कौन सा है, हेवन, और एक हेल, या फिर हम लेक ऑफ फायर भी अभी जो हम हाल ही में हम सीख रहे हैं, राइट। बाइबल में क्या लिखा है, जब गोग एंड मागोग जब लड़ाई हो जाएंगे, जब समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, शैतान को हमेशा हमेशा के लिए लेक ऑफ फायर में, आग की झील में फेंक दिए जाएंगे। यहाँ पर पिता रहेंगे, ठीक है, जो बाइबल में जिक्र किया गया है, पिता यानी कि शैतान, शैतान यहाँ पर रहेंगे। और जो उनके फॉलोअर हैं, जो यीशु को नहीं मानते हैं, जो पिता के नहीं हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए, यीशु को इनकार किए हैं, इस घराने में या फिर इस जगह में, इस परिवार में उन लोग भी शामिल हो जाएंगे, अपने पिता के साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, जहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा। बाइबल में क्या लिखा है, लेकिन जो पिता परमेश्वर के है, इन लोग भी हमेशा हमेशा के लिए किसके साथ रहेंगे, अपने पिता के साथ रहेंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे स्वर्ग में, ओके। तो ये लोगों के ऊपर है, कौन सा जगह आपको चाहिए, आपको शैतान के साथ जो पिता है उसके साथ आपको रहना है, या फिर जो स्वर्गीय पिता है इनके साथ आपको रहना है। ये लोगों के ऊपर ये निर्भर होता है कि लोगों को कौन सा चाहिए, ये चाहिए या फिर ये चाहिए। दोनों ही अनंत समय के, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए, दोनों की कोई समाप्ति नहीं है, ठीक है, ना तो नर्क की कोई समाप्ति है या फिर ना स्वर्ग की कोई समाप्ति है, दोनों के दोनों हमेशा हमेशा के लिए। बाइबल में लिखा है नर्क में ना तो दिन ना तो रात, कोई रेस्ट नहीं है, कोई रेस्ट नहीं। लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इंटरनेट में भी जाके देखो, एक ऐसा वीडियो है जहां पर साइंटिस्ट लोगों ने खोद करके निकाले हैं, इतना गहराई तक गए कि उसके बाद उन लोग जा नहीं सके गर्मी की वजह से, क्योंकि नीचे क्या है, नर्क है, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड करके आया, ठीक है, अभी भी उपलब्ध है इंटरनेट में, अगर आप जाएंगे करीबन 7-8 सेकंड का कुछ तो वीडियो है यहाँ पर, जहां पे आप सुनेंगे चिल्लाने के, लोगों के बारे में चिल्लाने के बारे में, वो क्या है, नर्क, ठीक है। यहाँ पर तो ये शैतान का जगह है जहां पर शैतान एक दिन जाने वाले हैं, और शैतान के लिए ही और उसके दूतों के लिए ही नर्क का क्या किया गया, स्थापना किया गया, नर्क को बनाया गया है, मनुष्य जाति के लिए नहीं, लेकिन आज मनुष्य जाति खुद ही
परमेश्वर पिता को इनकार करके मुझे प्रभु के प्यार नहीं चाहिए, मुझे यीशु नहीं चाहिए, लोग खुद ही इनकार करते हैं और परमेश्वर चलो तुम्हें यहां पर जाना है, तुम्हें अपने पिता के साथ रहना है, रहो शैतान के साथ। ओके, तो हम सबसे पहले प्रभु के संतान बनते हैं, हम उधार पाते हैं, दूसरी बात हमें एडॉप्ट किया जाता है। ओके, तीसरी बात ये बहुत ही जरूरी है और हमारे लिए जब हम इसको सुनेंगे शायद यह हमें शांति दे सकता है। रोमन चैप्टर 4, रोमियो के पत्री, मुझे लग रहा है ये बहुत लंबा जाएगा। रोमियो के पत्री अध्याय 4 वचन 7 और 8। जिनके अधर्म समा हुए जिनके पाप जाते गए, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न कहे। 4:8 राइट, 7:8 दोनों। ओके, इसका पेज है 212 राइट, 212 हिंदी बाइबल में। देखो यहाँ पर कितना सुंदर वचन है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्या हो गए, क्षमा हो गए। हालेलुया, हमारे अधर्म, हमारे गुनाह, हमारे पाप क्या हो चुके हैं, क्षमा हो चुके हैं। ओके, हम पहले अधर्मी थे सर बाइबल के अनुसार, लेकिन अभी प्रभु क्या कहता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे अधर्मों को, तुम्हारे पाप को और क्या नहीं करूंगा, याद नहीं करूंगा। परमेश्वर हमारे गुनाहों को, हमारे पाप को वो क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कभी कुछ पाप किया ही नहीं था। देखो एक वचन दिखाते हैं और एक वचन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पुराने नियम में हम अभी जाएंगे, यशाया में, आयजाया चैप्टर 43 वर्स नंबर 25, यशाया इसका पेज नंबर होगा 864, पेज नंबर हिंदी बाइबल में 864। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। देखो परमेश्वर क्या करता है, हमारे पाप को और याद नहीं रखता। ठीक है, जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं क्या होता है पता है, उसी वक्त परमेश्वर हमारे सारे पापों को, हमारे सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को परमेश्वर क्या कर जाता है, वो भूल जाता है। कितना है यशया 43 वर्स नंबर 25। लेकिन हम मसीह लोग क्या करते हैं, काफी सारे समय अगर कोई भाई बहन किसी का दिल दुखा है, हम भूलते नहीं, राइट, सालों भर तक, महीने भर तक हम नहीं भूलते हैं। लेकिन देखो परमेश्वर यहोवा यहां पर क्या कहता है कि मैं उन लोगों के अधर्मों को क्या कर देता हूं, भूल चुका हूं। लेकिन हम मनुष्य लोग क्या होते हैं, बहुत स्मार्ट, बहुत राइचियस हम बन जाते हैं, बहुत पवित्र बन जाते हैं, हम भूलने के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं। ठीक है, भूलने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन देखो परमेश्वर यहां पे क्या कहता है कि मैं उन लोगों के पापों को, अधर्मों को और स्मरण नहीं रखता। परमेश्वर भूल चुका है कि हमने क्या किए थे, हम कौन थे, परमेश्वर सब कुछ भूल चुका है। अभी परमेश्वर बस हमें क्या देखता है, एक नया व्यक्ति के रूप में देखता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कौन आ चुका है, प्रभु यीशु मसीह आ चुका है, हमारे ऊपर यीशु की धार्मिकता, हमारे अंदर पवित्र आत्मा बस चुका है। अभी परमेश्वर हमें एक नया व्यक्ति के रूप में देखता है, हमारे सारे गुनाहों को जो हम कर चुके थे पहले, जो हमने किए थे वो सब परमेश्वर भूल चुका है, परमेश्वर अभी स्मरण नहीं रखता। ओके, और एक वचन हम वचन देखेंगे इब्रानियों में, इब्रानियों चैप्टर 8 इसका पेज नंबर होगा 309, यस, इब्रानियों चैप्टर 8 वर्स नंबर 12।
heart will be lumpy for being on the outer part. And the sin and the iniquity will not remember no more. उसी के साथ और एक वचन खोलते हैं, वही किताब में 10:17। ओके, फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। ओके, ये परमेश्वर का दया है। परमेश्वर की दया क्या है कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को और स्मरण नहीं रखता, यानी कि परमेश्वर हमें माफ कर चुका है। वी आर फॉरगिवन, ठीक है, परमेश्वर हमें माफ कर चुका है, परमेश्वर हमारे गुनाहों को भूल चुका है। तो यही होता है जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु के पास आते हैं, तो यीशु हमारे पापों को भूल जाता है, परमेश्वर हमें क्षमा दे देता है, क्षमा कर देता है। यानी कि हम अभी प्रभु यीशु मसीह के संतान बन चुके हैं, अभी हम स्वर्ग के भागीदारी बन चुके हैं। ओके, एक वचन देखेंगे हम और एक विषय के ऊपर, रोमियो 5:1 हम जल्दी जल्दी इसको समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि हम मेन मुद्दे के ऊपर आ सके। ओके, यस, हम क्या हो चुके हैं, हम जस्टिफाइड हो चुके हैं। ओके, अभी जस्टिफाइड का मतलब क्या है, जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है, इसको भी हम लोग चर्चा करते हैं कि धर्मी ठहरना। ओके, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। मैं हिंदी में देखता हूँ, एक बार हिंदी में पढ़ दीजिए। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ जो अनुग्रह। किसके द्वारा हम धर्मी ठहरे, प्रभु यीशु के द्वारा, ठीक है। जैसे कि अगर आप मुस्लिम धर्मों में भी देखेंगे, हाल में पास्टर ने एक वीडियो सेंड किए थे ग्रुप में, राइट, जहां पर एक जो औरत है वो कहती है कि हम एक पास्टर जो है इसको सवाल करता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारे पाप क्षमा हो या फिर तुम स्वर्ग को जा सकते हो। तो वो कहते कि अच्छे कर्म करने से, अगर मैं अच्छे कर्म करूं तो मैं स्वर्ग को जा सकता हूँ। सारे के सारे जो धर्मों में, बाकी धर्मों में लोग वही सिखाते हैं, अच्छे कर्म करने के द्वारा ही हम स्वर्ग को पहुंच सकते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार, ठीक है, कोई भी हम धार्मिक के काम करते हैं या फिर अच्छे कर्म करते हैं, उसके द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते हैं, उसके द्वारा हम धार्मिक नहीं बनते, उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा नहीं होते हैं। चाहे हम जितना भी अच्छे कर्म कर ले, चाहे हम गरीबों को खिलाएं या फिर किसी को भी, किसी के प्रति हम अच्छे कर्म भी कर लें, इसके द्वारा हम कभी भी धर्मी नहीं ठहरते हैं या फिर हमारा उद्धार नहीं होता है। ये जो अच्छे कर्म वगैरह है, हम उद्धार पाने की बात कर सकते हैं, दूसरों को मदद करना, गरीबों को खिलाना, किसी को मदद करना, कुछ भी हो, अच्छे काम जो है वो उद्धार पाने के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन उद्धार पाने के लिए जो है मुझे अच्छे कर्म करने की जरूरत नहीं। उद्धार पाने के लिए अगर मैं अच्छे कर्म करूं तो मैं नर्क में ही हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाऊंगा। तो अभी इसका मतलब क्या है, हम कैसे हम धर्मी कैसे हम ठहरते हैं, अभी हम इसके वचन में देखो क्या लिखा है। अतः जब हम विश्वास से ही धर्मी ठहरते हैं, ठीक है, कोई कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास से हम क्या होते हैं, हम धर्मी ठहरते हैं, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अभी देखो ये प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है, ठीक है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह सलीब पर अपने आप को कुर्बान किए, ये यहाँ पे परमेश्वर पिता है, ठीक है, यहाँ पर फादर है हमारे, पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा रास्ता पिता के पास पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति, एक इंसान, ठीक है, एक व्यक्ति जो है, ये कौन है, एक पापी व्यक्ति है, राइट। वचन के अनुसार रोमियो 10:3 के अनुसार क्या है, ये व्यक्ति अधर्मी है, ये व्यक्ति पापी है। लेकिन जब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास को रखता है, ठीक है, यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए, अपने लहू को बहाया है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे गुनाहों को क्षमा देने के लिए या फिर पाप को धुलने के लिए, धो डालने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना लहू को क्रूस पर बहाया। अभी
जब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू इस व्यक्ति को शुद्ध कर देता है, साफ कर देता है। ठीक है, अशुद्ध व्यक्ति को यीशु मसीह अपने लहू से शुद्ध कर देता है। अभी जो जब ये व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है, उस समय यीशु मसीह की जो धार्मिकता है इस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है। क्या होता है? यीशु मसीह की धार्मिकता, जो राइटियसनेस है प्रभु यीशु मसीह के, इस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है, इसको ढक लेता है। जो ये व्यक्ति यीशु को विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, हम जानते हैं कि हाँ पवित्र आत्मा भी इस व्यक्ति के अंदर आता है, लेकिन उसी वक्त यीशु मसीह की जो धार्मिकता है इस व्यक्ति को ढक लेता है। अभी स्वर्गीय पिता क्या होता है, इस व्यक्ति को जब देखता है, ठीक है, जब स्वर्गीय पिता इस व्यक्ति को देखता है, वो उस पुराने इंसान को नहीं और देखता कि ये व्यक्ति कितना, देखो पापी थे। हमने वचन में देखे कि परमेश्वर स्मरण नहीं रखता हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को। तो जब स्वर्गीय पिता इस व्यक्ति को देखता है, वो उस व्यक्ति के पुराने कर्मों को नहीं देखता। अरे मैंने क्यों उसको उद्धार दिया, मैंने क्यों उसको बचाया, इतने बुरे इंसान है, इतने पापी है, इतने गंदे काम किए हैं, परमेश्वर वो नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता कि मेरा जो पुत्र है वो इस व्यक्ति के ऊपर आ चुका है। ठीक है, इस व्यक्ति ने यीशु को ग्रहण कर चुका है, अभी यीशु मसीह की धार्मिकता इस व्यक्ति के ऊपर आ चुका है। अभी पिता जब देखता है उसके पुराने इंसान को नहीं देखता, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो कोई यीशु में है वो नया सृष्टि है। ये व्यक्ति अभी नया बन चुका है। अभी पिता अपने संतान को उस व्यक्ति के ऊपर देखता है और कहता है कि ये क्या बन चुका है, ये धर्मी बन चुका है, ये धर्मी ठहर चुका है। उसी वक्त परमेश्वर इसको धर्मी ठहरा देता है। क्यों? यीशु मसीह की वजह से, अपने कर्मों की वजह से नहीं। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो तो तुम धर्मी ठहरोगे, ऐसा नहीं। लेकिन पिता परमेश्वर ने अभी इसको धर्मी ठहरा दिया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के धार्मिकता इस व्यक्ति के ऊपर आ चुका है। ओके, तो हम जस्टिफाइड हो चुके हैं, हम धर्मी ठहर चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा। जहां उद्धार पाते हैं, हम क्षमा पाते हैं, हमें अडॉप्ट किया जाता है, हमारे गुनाहों को क्षमा किया जाता है। ओके, देखो कितने सारे फायदे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी करता है कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। लोग खाली ऐसे बिना कोई मतलब के लोग मेहनत करते हैं, घुटनों में चलते हैं, राइट, अपने आप को मारते हैं, पता नहीं और कितने सारे बलि चढ़ाते हैं, न जाने कितने कर्म करते हैं अपने गुनाह को क्षमा करने के लिए, अपना पाप को धोने के लिए, स्वर्ग में पहुंचने के लिए, अच्छे कर्म करो, ये करो। देख, हम मसीह को कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया है। हमें क्या करना चाहिए? बस यीशु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। बस जो करना है प्रभु यीशु मसीह ने खुद किया है, हमें बस अपना विश्वास यीशु के ऊपर डालो, हम जस्टिफाइड हो चुके हैं। हालेलुया, हम जस्टिफाइड हो चुके हैं। ओके, अभी हम और एक इसमें देखेंगे, रोमियो, वही वही किताब में, उसका 10 चैप्टर 5 वर्स नंबर 10। ओके, क्योंकि वेरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उधार क्यों ना पाएंगे। यहां पर देखो, हम उधार पाने से पहले हम सब के सब क्या थे? परमेश्वर के दुश्मन थे। ठीक है, हमारा और परमेश्वर का कोई ऐसा रिश्ता नहीं था उधार पाने से पहले, हमारा और परमेश्वर के बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। तो परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर है पता है? बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर है? दुष्ट लोगों के ऊपर है, पापियों के ऊपर है, जो लोग दुष्ट काम करते हैं, जो लोग परमेश्वर को इनकार करते हैं, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, जो परमेश्वर को इनकार करते हैं, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की क्रोध आ जाता है। लेकिन यही वापस से उदाहरण मैं देता हूं, देखो परमेश्वर का क्रोध इस व्यक्ति के ऊपर फिलहाल है। ठीक है, अगर ये व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता, बिना प्रभु यीशु मसीह के मर जाते हैं, परमेश्वर का क्रोध क्या है? नर्क है, ठीक है? नहीं, परमेश्वर का क्रोध लोगों को पनिश करेंगे कहां पे? नर्क में। इन लोग नर्क में हमेशा हमेशा के लिए मरेंगे, ये परमेश्वर का क्रोध है। लेकिन परमेश्वर, जब परमेश्वर ने मनुष्य बना और यीशु मसीह के रूप में आए संसार में मनुष्यत्व के पापियों के लिए मरने के लिए, तो क्या होता पता है? यीशु मसीह ने जब लहू को बहाया, ठीक है, यीशु मसीह ने जब अपने रक्त को बहाया, उस समय क्या हो पता है? परमेश्वर का क्रोध क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक है,
परमेश्वर क्रोध कर रहे थे, परमेश्वर गुस्सा पूरे धरती के ऊपर थे, इसलिए क्या क्या नूह के समय में भी क्रोध की वजह से क्या क्या परमेश्वर ने पूरे संसार को नष्ट कर दिया पानी से। अभी परमेश्वर का क्रोध ताकि शांत हो, इसलिए क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। अभी यीशु मसीह ने जब अपने को कुर्बान किया, अपना लहू को बहाया, उस समय परमेश्वर पिता का जो पवित्र जो क्रोध है, ठीक है, पवित्र जो क्रोध है वो क्या हो गया, यीशु मसीह के लहू की वजह से, यीशु मसीह के बलिदान की वजह से परमेश्वर का क्रोध अभी शांत हो गया है। अभी परमेश्वर हमें दंड नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, क्योंकि यीशु के लहू ने हमें धो दिया है, यीशु मसीह के धार्मिकता हमारे ऊपर आ चुका है, यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान कर चुका है। अभी परमेश्वर का क्रोध नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इस व्यक्ति के ऊपर आएगा। ओके, परमेश्वर का दया, परमेश्वर अनुग्रह इस व्यक्ति के ऊपर अभी आएंगे। अभी परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर नहीं आएंगे। अभी परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आएंगे? जब परमेश्वर दूसरे आगमन में आएंगे, उन लोगों के ऊपर अपना क्रोध को बरसाएंगे जिन लोगों ने यीशु को इनकार किया है। यीशु मसीह ने जो हमारे दुख कष्ट को सहा है, इन लोगों ने क्या क्या तुच्छ किया, हमें नहीं चाहिए यीशु, नहीं चाहिए यीशु को, इन लोगों ने रिजेक्ट किया है। अभी क्या होंगे, जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे संसार में, तब इन सब को क्या लेंगे, परमेश्वर पलटा लेगा इन सबसे। ओके, तो अभी हम दुश्मन थे परमेश्वर के, अभी हम क्या बन गए हैं, अभी हम परमेश्वर के साथ हमारा शांति वापस मेल हो चुका है। ओके, अभी हम दूसरे इसमें जाएंगे कि परमेश्वर हमें आखिर सजा क्यों देता है। ये जरूरी था कि अभी देखो हमारा इतना सब कुछ हो चुका है, ठीक है, अभी इसके बावजूद परमेश्वर हमें क्यों सजा देते हैं, ये हम देखेंगे। अभी हम देखो परमेश्वर के क्या बन चुके हैं, संतान बन चुके हैं। एक एग्जांपल के तौर पे परमेश्वर आखिर हमें क्यों सजा देते हैं, या फिर हमें क्यों सीधा करते हैं, हमें क्यों सुधारते हैं, इसीलिए क्योंकि हम किसके संतान है, परमेश्वर के संतान है। अभी कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के अलावा, ठीक है, अपने बच्चों के अलावा किसी और के बच्चों को जाकर के किसी बच्चे को नहीं मारेंगे। ए तू मम्मी पापा के बाद में से ले लाठी लेके, कोई भी माँ बाप दूसरों के बच्चों को जाकर नहीं मारेंगे, है कि नहीं? ये गलत है। अगर कोई माँ बाप किसी और के बच्चों को जाकर मारेंगे, मारने लग जाएंगे, वो गलत बात है। अपना जो माँ बाप है अपने बच्चों को ही मारेंगे, अपने बच्चों को ही सीधा करेंगे, अपने बच्चों को ही सुधारेंगे। कोई भी माँ बाप अगर किसी के घर में जाके किसी और के बच्चों को मारेंगे, वो क्या है, गलत है। नहीं तो कुछ भी हो सकते हैं, फिर घमासान लड़ाई हो सकते हैं। अभी देखो हम पहले किसके संतान थे, हम शैतान के संतान थे, राइट, शैतान के परिवार से थे हम। तो उस समय परमेश्वर का और हमारा कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर हमसे कुछ नाता नहीं रखते हैं, जैसा भी करो कुछ भी करो कोई बात नहीं। लेकिन अभी हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, अभी परमेश्वर का कर्तव्य बढ़ चुका है। जैसे होता है ना, जब माँ बाप अपना बच्चा को पैदा करते हैं, उसी वक्त से उन लोगों का क्या बन जाता है, एक कर्तव्य, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है अपने बच्चों को संभालने के लिए, लालन पोषण करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, उन लोगों को देख रेख करने के लिए माँ बाप का एक क्या बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम प्रभु के संतान बनते हैं, परमेश्वर का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने बच्चों को सुधारे, है कि नहीं? अभी देखो हम प्रभु के संतान हैं, तो परमेश्वर क्यों हमें नहीं सुधारेंगे? अगर परमेश्वर किसी को नहीं सुधारते हैं, सोचो इस व्यक्ति ने दावा किया, क्या दावा किया कि मेरा उद्धार हो चुका है, ये व्यक्ति ने क्या दावा किया कि मैं उद्धार पा चुका हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, और कुछ दिन बाद जाके वो क्या करता है, वो दारू पीने लगता है, ठीक है, दारू पीता है, व्यभिचार करता है, चोरी करने लगता है, ये करना था, वो करना था, ऐसे बहुत सारे गलत काम करने लगता है, लेकिन इसका लाइफ ऐसा ही चलते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है, ना इसको कोई पनिशमेंट मिल रहा है, ना इसको कोई सजा दे रहा है, ना परमेश्वर इन्हें कोई कुछ भी नहीं कर रहा है परमेश्वर इनके जीवन में, लेकिन ये क्या करते जा रहा है, ये पाप करते जा रहा है, लगातार पाप करते जा रहा है, लगातार पाप करते जा रहा है, लगातार पाप करते जा रहा है, लेकिन परमेश्वर इनके जीवन में कोई भी क्या नहीं कर रहा है, इसको ना पनिशमेंट दे रहे हैं, ना परमेश्वर इसको सुधार रहे हैं। इसका मतलब क्या पता है, ये प्रभु के संतान नहीं हो सकता, ठीक है, ये बस ऐसे ही, इसने क्या क्या दावा किया कि मेरा उद्धार हो जाए, मैं क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया है, क्योंकि मैं चर्च जाता हूं, क्योंकि मैं प्रभु भोज लेता हूं, मैं अच्छे कर्म करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, इसीलिए मेरा उद्धार हो चुका है बोल के ये व्यक्ति क्या करता है,
दावा करता है, लेकिन इसके जीवन में कोई बदलावट नहीं। जैसे थे वो पहले वैसा ही, वो दावा करने के बाद भी, उसके बाद भी वो वैसा ही वैसा है। वो दारू पीता है, वो गंदे काम करते हैं, गलत लोगों के साथ संगति रखते हैं, जो काम नहीं करना चाहिए वो काम करते हैं। इसके जीवन में कोई बदलावट नहीं। इसका मतलब ये प्रभु के संतान नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो प्रभु के संतान है परमेश्वर उन लोगों को सुधारेंगे, परमेश्वर उन लोगों को पनिशमेंट करेंगे, पनिश करेंगे। ठीक है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को सुधारते नहीं, वो माँ बाप अच्छे माँ बाप नहीं है, वो गलत माँ बाप है। वो बस अपनी दुनिया में क्या है, खोया हुआ है, बच्चों को लेकर कोई उसका सोच विचार नहीं। ठीक है, वो अच्छे माँ बाप नहीं हो सकते, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को कैसे नष्ट होने देगा। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को बचाया है, उद्धार दिया है, अभी परमेश्वर का कर्तव्य बनता है कि इस व्यक्ति को सुधारे। तो अगर इस व्यक्ति, सोचो ये उदाहरण हम हटा देते हैं, सोचो ये व्यक्ति का उद्धार हो चुका है, ठीक है, वाकई में इस व्यक्ति का उद्धार हुआ है, 100% इस व्यक्ति का उद्धार हुआ है, ये परमेश्वर के संतान है, इस व्यक्ति का उद्धार हो चुका है। अभी सोचो हम उद्धार पाने के बाद कोई भी हम सीधा नहीं चल सकते, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो पाप ना करे। उद्धार पाने का अभी रहे, हमने कुछ हफ्ते पहले शायद हमने स्टडी भी किए थे कि उद्धार पाने का भी काफी सारे समय गलती करते हैं, पाप करते हैं बहुत से लोग, क्या ये इसका मतलब हम उद्धार नहीं पाए कि नहीं, इसके ऊपर भी हम देखते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी गलत फहमी में ना रहे, अरे मतलब मैं उद्धार पाया हूँ मतलब मैं कुछ भी पाप कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उद्धार पाने के बाद ये व्यक्ति कभी भी सीधा नहीं चल सकते। ठीक है, ऐसा आएगा आएगा, चाहे वो जितना भी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के निकट हो, ठीक है, जितना भी परमेश्वर के साथ चले। हम बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण को दे सकते हैं, हम किसके बारे में दे सकते हैं, डेविड के बारे में दे सकते हैं, राइट, सोलोमन के बारे में दे सकते हैं, और कौन है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हम बाइबल में अगर देखेंगे, मूसा के बारे में दे सकते हैं, और आपके मन में कोई है और, जोना के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने क्या किए, परमेश्वर के नजदीक होने के बावजूद, प्रभु को जानने के बावजूद इन लोगों ने क्या किए, गलती किए, पाप किए, है कि नहीं। दाऊद ने क्या किए, व्यभिचार किए, सोलोमन ने क्या किए, मूर्ति पूजा किए, परमेश्वर को जानने के बावजूद परमेश्वर की सारे आज्ञाओं का उल्लंघन किया, सोलोमन ने, दाऊद ने, देखो। लेकिन दाऊद ने क्या क्या बताया, जब वो पाप में गिरा वो चुपचाप नहीं रहा, है कि नहीं। परमेश्वर, इसका जो बच्चा है वो पैदा नहीं हुआ, इसका बच्चा मर गया उस समय, परमेश्वर से ने प्रार्थना भी किया दाऊद ने कि प्रभु तुम मेरे बच्चे को बचा लो, प्रार्थना भी किया दाऊद ने, उपवास किए, दिन रात प्रार्थना किए, रोए, परमेश्वर से प्रार्थना किए, माफी मांगे, लेकिन परमेश्वर ने नहीं सुना, परमेश्वर ने इसको क्या किया, सजा दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, पश्चाताप किया। हमें क्या करना चाहिए, जब हम पाप करते हैं हमें पश्चाताप करने चाहिए, ये नहीं कि हम पाप करें और चुपचाप रहें, परमेश्वर हमें जीने नहीं देगा शांति में। ठीक है, परमेश्वर हमें, जब तक एक व्यक्ति उद्धार हुआ पाया हुआ व्यक्ति जब तक पश्चाताप नहीं करेगा ना, उसके मन में शांति नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके मन में शांति रहेगी, वही जो पाप उसने किया है वही बार बार उनके मन में आते रहेंगे, बार बार उनके जीव उसको खाते रहेंगे, अंदर अंदर खाते रहेंगे उसको, उसको शांति में रहने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने संतान को क्या करना चाहता है, सुधारना चाहता है। परमेश्वर स्वर्गीय पिता वो चाहता है कि अपने संतान जो है वो हर एक आशीष को वो क्या कर सके, वो हर एक आशीषों का लाभ उठा सके। मैं एक वचन दिखाता हूं, इब्रानियों में हम खोलेंगे हिब्रू चैप्टर 12, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स नंबर 6 एंड 7। For whom the Lord loveth, he chasteneth, and causeth his son whom he receiveth. If he endure faithfully, God giveth the favor of his son. For what son is he whom the father chasteneth? Okay. 6 and 7, right? Okay.
तो यहां पर हमने क्या देखे कि परमेश्वर अपने बच्चों को सुधारता है, अपने बच्चों को पनिश करता है। ओके, परमेश्वर हमें पहले क्या देंगे, चेतावनी देंगे। ठीक है, अगर हमने कुछ पाप किए हैं, अगर हमने कुछ गलती की है, परमेश्वर पहले हमें क्या करेंगे, चेतावनी देंगे, सावधान करेंगे, चेतावनी देंगे कि जो तुम कर रहे हो शायद प्रचार के द्वारा हो सकता है, शायद जो जब तुम बाइबल पढ़ोगे शायद उस समय परमेश्वर ऐसे वचनों को आपके सामने ला देंगे, या फिर प्रचार के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे कि जो तुम काम कर रहे हो वो क्या है, गलत है। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही लोगों से बात करता है, और परमेश्वर का वचन क्या है, दो धारी तलवार है, हमें अंदर ही अंदर क्या करेंगे, काटेंगे, हमें काट काट के। ठीक है, तो वैसे ही परमेश्वर का वचन जब हम सुनेंगे हमारे अंदर बदलाव आएंगे। तो जब ये व्यक्ति परमेश्वर की साफ परमेश्वर जब चेतावनी देंगे, इसको भी अगर नहीं सुनते हैं कोई बात नहीं, इग्नोर अगर करते हैं जाने दो, कोई बात नहीं, मैं अपने काम में लगा रहूंगा। पहले चेतावनी को इस व्यक्ति ने नहीं सुना, शायद परमेश्वर दूसरी बार भी इसको चेतावनी देंगे कि सुधर जाओ सुधर जाओ। पहले चेतावनी में इस व्यक्ति ने नहीं सुना, दूसरी बार परमेश्वर क्या देंगे, चेतावनी फिर से देंगे। शायद परमेश्वर उस समय हमें रोग बीमार से, हमें शायद रोग बीमार में ग्रस्त हो सकते हैं हम शायद, ठीक है, हमारे शायद बहुत से ऐसे बीमार, शायद हम एक्सीडेंट हमारा हो सकता है, क्योंकि हमने नहीं सुना, हम लगातार पाप में लगे रह रहे हैं, लगातार पाप में लगे रह रहे हैं, शायद इस व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट हो सकता है इस व्यक्ति का, कुछ भी हो सकता है, इसके बावजूद ये व्यक्ति नहीं सुनता है। ठीक है, इसके बावजूद ये व्यक्ति नहीं सुनता है, लगातार पाप करते रहता है, उद्धार पाने के बावजूद आखिर में परमेश्वर क्या करना पड़ा, इसको संसार से उठा लिए, क्योंकि ये परमेश्वर के संतान है। ठीक है, परमेश्वर नहीं चाहेंगे कि व्यक्ति जो है संसार में ऐसे पाप करते रहे, ऐसे ही पाप करते रहे, और परमेश्वर इसको ऐसे ही जीने देंगे कि तुम चलो अभी तुम्हें लाइसेंस मिल गया है, तुम उधार पा चुके हो, अभी तुम्हें लाइसेंस मिल गया, अभी तुम क्या करो, जो मन करे जो मर्जी करे तुम लगातार पाप करो, कुछ भी सुनो कुछ भी करो कुछ भी बोलो, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर पहले हमें चेतावनी देंगे, देखो भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, प्रचार के द्वारा, बाइबल रीडिंग के द्वारा, या फिर तुम्हारे कोई भाई मित्र जब तुम बात करो शायद उसके द्वारा भी परमेश्वर तुमसे बात कर सकता है। दूसरी बात, परमेश्वर तुम्हें और चेतावनी देंगे, रोग मार दे सकते हैं, ऐसे दुर्घटना से तुम सामना कर सकते हो, और इसके बावजूद तुमने पश्चाताप नहीं किए। तीसरी बात परमेश्वर क्या करता है तुम्हें, चलो भाई तुम अपना नाम मसीहत का नाम, परमेश्वर के नाम को तुम क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, अभी तुम्हें इस संसार में रहने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर आ जाओ। अगर हम 2 कुरिन्थियन 5 में देखेंगे, बाद में आप पढ़ सकते हैं, ऐसा एक जो लड़का है ऐसा पाप करता है जिसको हम मुंह से शब्दों से बयान नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे पाप एक लड़का करता है। ठीक है, तो उस समय पौलुस क्या कहता है कि इसका शरीर को, पौलुस क्या करता है पता है, इस व्यक्ति के शरीर को पौलुस शैतान को दे देता है। ये व्यक्ति उधार पाया हुआ व्यक्ति है, यीशु को जानता है, परमेश्वर को ग्रहण कर चुका है, लेकिन पौलुस क्या करता है, इस व्यक्ति को शैतान को दे देता है कि इसका शरीर जो है मिट जाए लेकिन इसकी आत्मा बचे, ताकि इसकी आत्मा बच जाए लेकिन इसका शरीर को शैतान को दे देता ताकि शैतान इसके शरीर को नष्ट कर दे। तो परमेश्वर नहीं चाहेंगे कि इसके जो संतान है पाप में ही चले, परमेश्वर चाहेंगे कि इनके जो संतान है हमेशा प्रभु की आशीष में चले, हमेशा परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। ठीक है, नहीं, अच्छे माँ बाप हमेशा चाहेंगे कि मेरे बच्चे जो हैं अच्छे रास्ते में चले, उसका जीवन भला हो, उसके परिवार हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे परिवार हो, अच्छे काम हो, सब कुछ अच्छे ही होने के लिए अपने माँ बाप चाहेंगे। तो वैसे ही स्वर्गीय पिता भी, सोचो कितना महान है, वो भी चाहते कि मेरे जो बच्चे जिनको मैंने बचाया है उनका जीवन कैसा होना चाहिए, आशीषित होना चाहिए, उनका जीवन सही होना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, संसार में खो जाते हैं, गलत दोस्तियारी की वजह से, गलत शिक्षाओं की वजह से, या फिर ऐसे बहुत सारे विषय की वजह से ये परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आखिर में परमेश्वर ने चेतावनी दिया, दुख कष्ट को दिए, बीमार दिए, उसके बावजूद पश्चाताप नहीं किए, आखिर में परमेश्वर ने उठा लिए, ऐसा होता है। और एक वचन देखेंगे हम नीति वचन में प्रभाव, और आखिरी दो वचन देखेंगे प्रभाव चैप्टर 3 पुराने नियम में, Proverbs chapter 3 verse number 11 and 12. My son, despise not the chastening of the Lord, neither in vanity of his correction. For whom the Lord loveth, he corrected. The Father, the Son, and Holy Spirit.
इसका पेज 768। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुम्हें डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। ओके, तो यही है कि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है परमेश्वर उन्हें जरूर से सुधारेंगे। अगर परमेश्वर आपको नहीं सुधार रहा है, मतलब आप को खुद को झांक के देखना चाहिए, क्या मैं वाकई में उधार पाया हूं या फिर, ठीक है, आपको झांक के देखना चाहिए। अगर आप अभी भी गलत काम करते हुए भी परमेश्वर आपको कुछ नहीं कर रहे, आप वैसे ही जीवन को जी रहे हैं, आपके जीवन में ना तो कोई चेतावनी है, ना तो कोई पश्चाताप वाली हृदय है आपके जीवन में, ना परमेश्वर के वचन आपके जीवन में कुछ काम कर रहा है, ना आपको प्रार्थना करने की मन है, बाइबल पढ़ने की ना तो आपको मन है, कलीसिया जाने के लिए आपको मन नहीं है, आपको प्रभु के लिए जीने के लिए मन नहीं है, इसका मतलब आपको अपने आप को झांक के देखना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मेरा वाकई में उद्धार हुआ या फिर नहीं। क्योंकि अगर उद्धार हुए व्यक्ति को परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है हिब्रियों में, कि परमेश्वर उन्हीं को डांटते हैं, उन्हीं को मारते हैं जो अपने संतान है। अगर वर्ष में 12 में हम देखेंगे परमेश्वर लिखा है कि मैं ऐसे दूसरे अन्य लोगों के बच्चों को मैं क्या नहीं करता हूं, मैं सुधारता नहीं हूं। परमेश्वर केवल अपने बच्चों को ही सुधारते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसे नहीं है, पश्चाताप वाले हृदय नहीं है, परमेश्वर आपको सावधान नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा चेतावनी नहीं है, तो आपको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मेरा वाकई में उद्धार हुआ है। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को सुधारेंगे, परमेश्वर किसी को खुला घूमने नहीं देंगे। ठीक है, चलो भाई उद्धार हो गया, लाइसेंस मिल गया तुम्हें, अभी तुम किधर भी मन चाहे तुम बाइक चलाओ, कैसे भी तुम बाइक चलाओ बिना हेलमेट के, या फिर कुछ भी अपने मन मानी करो, सिग्नल तोड़ के जाओ तुम, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर परमेश्वर ने आपको बचाया है तो परमेश्वर आपको सुधारेंगे। अगर सुधार नहीं रहे हैं, मतलब आपको झांक के देखना चाहिए, क्या मेरा वाकई में उद्धार हुआ है। क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है प्रभु अपने जिससे प्रेम रखते हैं, जो अपने संतान है उनको परमेश्वर जरूर से सुधारते हैं। आखिरी वचन रेवलेशन 3:19, आखिरी पुस्तक बाइबल की आखिरी किताब, पेज नंबर 346 हिंदी बाइबल में, मैं जिन दिन से प्रेम करता हूँ उन सब को बुलाना और ताड़ना देता हूँ। ओके, तो आखिर में परमेश्वर क्या चाहता है, ताकि हाँ मन फिराए। ओके, ये देखो, जब प्रभु ने, बहुत से लोग क्या मानते हैं पता है, जब यीशु ने क्रूस पे मरा ना हम मनुष्य जातियों के लिए, बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे हमारे जो पास्ट पाप है, हमारे जो अभी के पाप है, या फिर फ्यूचर के जो पाप है, परमेश्वर ने सारे के सारे पाप मिटा दिए हैं, परमेश्वर ने सारे के सारे पाप क्षमा कर चुके, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो अविश्वासी वाला जो पाप है, जो हम यीशु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, ठीक है, जो हम अधर्म के काम कर रहे थे, जो हम अधर्मी थे, सारे पापों का परमेश्वर ने सलीब पर हमारा क्षमा दे चुका है। ठीक है, लेकिन अभी उद्धार पाने के बाद जो कुछ भी हम पाप करते हैं, उस पापों के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, पश्चाताप करने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार उद्धार हो गया, या फिर यीशु मसीह ने जब मुझे उद्धार दिया, मेरा अतीत का और अभी का और फ्यूचर का भविष्य का जो पाप है सारे के सारे माफ कर चुके, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी हम पाप करते हैं उसका हमें हर दिन माफी मांगना चाहिए। यहाँ पे इसलिए देखो 19 में क्या लिखा है, कितना 19 राइट, यस जी, उन सबको कुरान और देता हूं। ओके, क्या करना चाहिए, मन फिराना चाहिए। अगर आपने पाप किए हैं तो आपको उसी वक्त क्या करना चाहिए, मन फिराना चाहिए, प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर। और ऐसे वाले ने ऐसे नहीं कि मैं बस ऊपर ही ऊपर बोलूं है प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दे, काम करता, ऐसा नहीं। जहां कुछ गलती करते हैं, हमारे अंदर
गिल्टी फील होना चाहिए, अरे मैंने जो कुछ भी किया वो क्या था, वो गलत था, अभी मुझे उसको वापस नहीं करना है, मुझे उसको वापस नहीं दोहराना है। वैसे वाले हमें मन में जागने चाहिए कि मुझे और ये पाप को नहीं करना है, ओके? क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, जब हम माफी मांगते हैं ना, उस समय परमेश्वर हमारे दिल को ऑब्वियसली जानते हैं कि हमारा दिल कैसा है, कि हम वाकई में माफी मांग रहे हैं या फिर बस ऐसे ही हम बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर दो, काम खत्म, ऐसा नहीं। परमेश्वर हमारे दिल को जानता है, और आपके अंदर भी वो गिल्टी फील होने चाहिए जब आप कुछ गलतियां करते हैं, पाप करते हैं। और पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है, पवित्र आत्मा भी आपको चेतावनी देंगे, पवित्र आत्मा उस पाप के बारे में आपको याद दिला देंगे कि जो कुछ पाप तुमने किया है, जब तक तुम पाप का क्षमा नहीं मांगोगे, परमेश्वर तुम्हें शांति में रहने नहीं देंगे। परमेश्वर तुम्हें उस पाप को बार बार याद दिलाते रहेंगे, बार बार याद दिलाते रहेंगे, ताकि तुम क्षमा मांगो और प्रभु के साथ सही रहो और परमेश्वर की आशीष को लगातार एंजॉय करते रहो। आखिरी वचन, मैंने आखिरी वचन बोला था, और आखिरी वचन इसको भी देख के हम समाप्त करेंगे। गॉस्पल फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना, पेज नंबर इसका 333, 333। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9। ठीक है, तो परमेश्वर हमेशा तैयार रहता है हमें क्षमा करने के लिए, ओके? परमेश्वर इंसान जैसे नहीं है कि माफी मांगने से माफ नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। परमेश्वर हमेशा तैयार रहते हैं कि मेरे बच्चे कब मेरे पास आए और माफी मांगे। परमेश्वर क्या करता है पता है, उसी वक्त हमें क्षमा दे देता है। परमेश्वर कल देख लूंगा, नहीं नहीं एक हफ्ते के बाद, ऐसा परमेश्वर नहीं करता है। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है कि ये वाकई में जेन्युइन है कि नहीं, वाकई में ये माफी मांग रहा है कि नहीं। उसी वक्त क्या करता है परमेश्वर पता है, ज्यादा समय नहीं लेता है, उसी वक्त क्या करता है, जिस वक्त आप क्षमा मांगते हैं उसी वक्त परमेश्वर आपको क्षमा करता है। वो कल के लिए नहीं देखता है, दूसरे हफ्ते के लिए नहीं देखता है, दूसरे महीने के लिए नहीं देखता है, उसी वक्त परमेश्वर हमें क्या करता है, क्षमा करता है। लेकिन मानने वाले लोगों को भी मानना चाहिए, माफी मांगने वालों को क्या करना चाहिए, अपनी गलतियां मानना चाहिए। लोग गलतियां नहीं मानते, राइट? मैंने गलती नहीं करी भाई, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। पहला वचन में देखो क्या लिखा, यदि हम अपने पापों को मान ले, राइट? यहीं पे ही बहुत से लोग गलतियां करते हैं, लोग पाप अपने गलतियों को नहीं मानते, अपने पापों को नहीं मानते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और क्या है, धर्मी है, ठीक है? तो जब कभी भी हम प्रभु के पास आएंगे, ठीक है, तो ये मत समझना कि मेरा उद्धार हुआ है, मुझे लाइसेंस मिल गया है पाप करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सोच ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरा उद्धार हुआ है, मुझे पवित्र आत्मा हमेशा क्या करेंगे, गाइड करेंगे, पवित्र आत्मा मुझे हमेशा चेतावनी देंगे, देखो जो तुम काम कर रहे हो ना वो गलत है, क्या करो, अपने आप को हम्बल करो और क्या करो, तुम माफी मांगो, काम खत्म, ठीक है? हमें 2 दिन 4 दिन उसके लिए अपेक्षा करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह उसी वक्त कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा दूंगा, ठीक है, वो मैं तुम्हें क्षमा दूंगा। परमेश्वर हमेशा अपने बाहों को फैलाकर अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, आओ मेरे पास आओ, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा, तुम्हें क्षमा करूंगा। हमें बस प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, सही हृदय से, पश्चाताप वाली हृदय से हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है, मैं लगातार पाप कर रहा हूं, आपको क्या करना चाहिए, मन फिराना चाहिए, ठीक है? मन फिराओ, ऐसा ना हो कि परमेश्वर तुम्हें दंड दे दे, उससे पहले तुम क्या करो, माफी मांगो, कल को कोई देरी ना हो जाए, कल को कोई परमेश्वर ये वाला पनिशमेंट ना दे जाए हमें, उससे पहले क्या करो, तुम प्रभु से क्षमा मांग लो, ठीक है? परमेश्वर आज भी तैयार है हमें माफ करने के लिए। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को चाहते कि वो माफ करे और अपने उनके बच्चे जो है हमेशा आशीष वाले जीवन को जिए। तो आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।